कितने बजे? 8 बजे। अच्छा, तब तक टाइम से आए तो हम अभी आए। जोर से बोलोगे तो ब्लॉग में आवाज आएगी। जोर से? हाँ, मुझे छुट्टी आ गई है। कल क्या कर रही है? कल ऑफिस। ठीक है, चलो बाय बाय। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग मिस्टर एंड मिसेस परमार। तो मैं हूँ मिसेस परमार और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम। सुबह के बज रहे हैं 10:15 समथिंग हो रहे हैं। हमने नहा वहा लिया, हम रेडी भी हो चुके हैं, मैंने घर का काम भी कर दिया है, बस खाना मैं आके बनाऊंगी, बाकी हमारा कुछ काम हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं, आज है मंडे और आज जन्माष्टमी भी है, तो आपको हमारी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर, अभी हम आज शिव मंदिर, सुबह मंडे भी है तो अभी सुबह तो हम शिव मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, शाम को हम जाएंगे शायद डिस्कॉन, देखते अभी क्या होता है, शाम तक कुछ नहीं पता। तो बस आज का माहौल है, धूप वगैरह है थोड़ी बहुत क्या, आज धूप ही है, आज बारिश नहीं है। तो बस रेडी वगैरह हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मैं रेडी हूँ, मिस्टर वर्मा दियावती कर रहे हैं, फिर हम निकलेंगे यहाँ से शिव मंदिर के लिए। और मेरा काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, बस और कुछ नहीं, मिस्टर वर्मा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मिस्टर वर्मा हो चुके सुबह, आप दियावती करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे कृष्ण भगवान के भजन भी चल रहे हैं सुबह सुबह। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, जैसा भी रहेगा हम ब्लॉग स्टार्ट करते रहेंगे। रोज सोचते हैं कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाने के लिए, बट रोज कुछ ना कुछ टॉपिक नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए, और जब मिलता है तो बना लेते हैं अपनी खुशी के लिए, ठीक है। तो हम आ गए हैं पुण्य धाम, मैंने बोला था कि हम दर्शन करने जाएंगे शिव मंदिर, आ गए हैं हम और अब हम जा रहे हैं गौशाला की तरफ, ऐसे कुछ देखते हैं। आज मंडे है तो पब्लिक भी ज्यादा ही होगी। और ये है गौशाला और हम लोग ऑलमोस्ट, कितने बजे अभी तो थोड़ी देर में मंदिर बंद हो जाएगा, 11:30। कितने बजे? 1 बजे। अच्छा, तब तक टाइम से आए तो हम अभी आए हैं गौशाला, आपको भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी गैया मैया हैं, ये देखो यहाँ पे है बहुत सारी गाय। हमारा वही गया मैया को चारा दे रहे हैं। चारा देते हुए मैडम बहुत सारी गाय है, सोमवार है। सोमवार भी और जन्माष्टमी भी आज, हाँ जन्माष्टमी भी और सोमवार भी आज। उस तरफ जाना पड़ेगा, उस तरफ लास्ट सब दे रहे ना, इसलिए उस तरफ भी जा सकते हैं लास्ट। अभी हम यहाँ पे दान देकर मतलब चारा देकर हम जाएंगे फिर मंदिर, है ना। बहुत बड़ा गौशाला है ये भी, हमारे घर से नज़दीक ही है, 5 किलोमीटर है। कहाँ, कौन सा गौशाला? पुणे के गौशाला में गौशाला देखिए। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। जोर से बोलोगे तो ब्लॉग में आवाज आएगी। जोर से तो बोल रहा हूँ, इतना और कितना जोर से बोल। अभी बस मंदिर पहुँचने वाले हैं, अभी हम लोग घूम रहे हैं सामने मंदिर महादेव जी का, और यहाँ पर पीछे गौशाला बहुत बड़ा, बहुत बार बनाया होगा, बहुत बड़ा मंदिर है ये। अच्छा बहुत बड़ा मंदिर है। अब तो हम जा रहे हैं मंदिर, सोमवार है आज, मेरी छुट्टी है।
जन्माष्टमी तो वैसे आज है मतलब, पर दही हंडी कल फोड़ेंगे ना, इनको छुट्टी आ गई थी। हाँ मुझे छुट्टी आ गई है। कल क्या कर रही है? कल ऑफिस या ऑफिस क्या भाई, तो ऑफिस नहीं तो घर से। देखते हैं अभी क्या होता है, मैं मेल आएगा। ठीक है अभी चलते हैं, हम दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं, पहुँचने वाले अभी है। हाँ ये मंदिर साईं बाबा के पीछे पहला वाला प्रसाद अभी ग्रहण कर रहे हैं और महादेव जी के दर्शन हो गए अंदर। यहाँ पे उपवास के लिए ठीक है। शिव भगवान के मंदिर पे, यहाँ पे है पुण्य धाम आश्रम जहाँ पे है शिव भगवान का मंदिर, और वहाँ पे मंदिर है तो हमको आज प्रसाद भी मिले। हमने साबुदाने के प्रसाद भी खा लिया, और यहाँ पे साइड में कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ है, मतलब फिक्स ही है, हमेशा ही रहता है बस। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, शिव जी है, शिव पार्वती गणेश जी मंदिर है, शिवलिंग। तो हम यहाँ पे बैठे अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। बस अपने स्कूटर के पास, और अभी हम जा रहे हैं घर। बज चुके हैं 12:30, हो गया अभी। चलो घर पे चलो, लेके चलो मुझे, मुझे नहीं आती चलने आती तो मैं चला लेती। ठीक है फिर चलते हैं अभी हम लोग हमारी गाड़ी लेके घर पे, और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। हाँ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, लेट लेट आते हैं बट ठीक है। ठीक है चलो बाय बाय।